এবং তার পরিবারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মঘাতী যুবক। ঘটনা শহর শিলিগুড়ির মিলনপল্লীর। একটা মেয়ে অথবা মহিলার সাথে কোনো ব্যক্তি শারীরিক অথবা মানসিক অত্যাচার করলে সমাজ এগিয়ে আসে, সকলে সহায়তা পান তারা, কিন্তু একটি পুরুষের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে মিলনপল্লীর বাসিন্দা কুনাল বানসালের সঙ্গে বিয়ে হয় সুইটি আগরওয়ালের। বিয়ের কিছুদিন সম্পর্ক ঠিকঠাক চললেও পরবর্তীতে সেই সম্পর্কে টান ধরে। কুনাল বানসালের পরিবার সূত্রে জানা যায়, কুনালের স্ত্রী সুইটি আগরওয়াল এবং তার পরিবার তাকে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক এবং মানসিকভাবে অত্যাচার করত। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি মাস ছয়েক আগে থানায় গিয়ে এফআইআর দায়ের করেন, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। কুনালের পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, দুজনের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করানোর পরিবর্তে সুইটি আগরওয়ালের পরিবার 1 কোটি টাকা চাইতে আরম্ভ করে। পরবর্তীতে দিনের পর দিন একই রকম অত্যাচার চলতে থাকে এবং তিনি এইসব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। গোটা ঘটনায় কুনাল বানসালের শোকাক্রস্ত পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং এই ঘটনার সব ধরনের প্রমাণ আছে এই দাবি করে তারা পুলিশের কাছে কুনালের হত্যার ন্যায় চান। তাদের অভিযোগ, তারা কুনাল বানসালের মৃত্যুর পর প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিলিগুড়ি থানায় এসে পুলিশের সাহায্য চান, কিন্তু পুলিশের এতে কোনো ভূমিকা তারা দেখছেন না। शादी हुआ था 2 साल पहले और शादी होने के एक हफ्ता बाद से उसको ससुरबाड़ी से उसका बीवी से उसका पिताजी से और उनका भाई की तरफ से कंटिन्यूस टॉर्चर हुआ। अच्छा। इतना टॉर्चर हुआ कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा। टॉर्चर तो बहुत तरह की उसी होती है, तो कैसा हुआ? तो उनको मेरे पास जैसे कि घर में रोज गाली गलौज करना, मारना पीटना, लड़का को मारता था उनका बीवी, उनका बीवी मारता था उनका पिताजी की तरफ से गाली गलौज धमकाना, पुलिस का धमकी देना, बड़ा बड़ा ऑफिसर मेरे पॉकेट में, इस तरह से रोज उसको टॉर्चर करता था। और वो लोग अपना बेटी को घर में लेने के लिए एक्सेप्ट भी नहीं करता था, कोई भी फोन घर में ले जाने के लिए चाहता नहीं था, बोलता कि उनका छोटा भाई उसको मार डालने का मांगते उसको घर में नहीं लेंगे। कभी भी एक बार कोई ऑपरेशन पर ले जाता है तो दूसरे के घर पर रखते थे, अपने घर पर नहीं ले जाते। हाँ, इस तरह से ज़बरदस्ती लड़का के पीछे में डाल के रखते लड़के लड़का को 1.5 साल तक कंटिन्यूसली हम लोग ने फिर उनके पिताजी ने लड़का का पिताजी ने उनके फैमिली मेम्बर्स को क्योंकि वो बीच में इन्वॉल्व बनते बड़े मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके कुछ सुलझाने का कोशिश किया, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में कई सारा मीटिंग किया, उसे कोई असर नहीं हुआ। उसका इफेक्ट ये हुआ कि उनका पिताजी लड़का का पिताजी को भी उनके ससुरबाड़ी से ससुर ने उनका भाई ने हाथ लगाया। उसके बाद में फिर और एक मीटिंग करके उनको लड़का को और लड़की को दूसरे रेंटेड हाउस को शिफ्ट किया गया, वहाँ पे उसको इनह्यूमन टॉर्चर किया गया उनके फैमिली की तरफ से। हम लोग हमारा भैया का घर का फैमिली में 2 बाप और 1 बेटा है, वो लोग कभी उधर में जाते नहीं है और ना कोई रिलेटिव हम लोग जाते थे। लड़का बोलता था आप लोग मत आइए, आप लोग को परेशानी होगा यहाँ पे, हाँ हम अकेले हम ऑपरेट करेंगे, जो होगा हम देखेंगे। तो वहाँ पे उसको कंटिन्यूस टॉर्चर उनके फादर इन लॉ की तरफ से, भाई की तरफ से और लड़की की तरफ से, और इतना टॉर्चर है लड़का ने इससे छुटकारा पाने के लिए वकील ने उसको सजेस्ट किया कि आप एविडेंस बनाओ ताकि आप केस करें। तो उसने डिजिटल फॉर्मेट में फोन का रिकॉर्डिंग वगैरह लेने शुरू किया, व्हाट्सएप चैट वगैरह अपना मोबाइल पर ट्रांसफर किया, लड़की ने किसके साथ में चैटिंग किया उनका तरफ से जो फोन आया उन सबको रिकॉर्डिंग किया और 600 MB का डेटा उन्होंने तैयार किया। उसके बाद में उसको जिसमें उसका डिजिटल फॉर्मेट में उसको मारा हुआ पिक्चर्स वगैरह है, ऑडियो रिकॉर्डिंग से जिसमें गाली गलौज अनलिमिटेड है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स है, आपको मैं 2-4 क्लिपिंग सुना सकता हूँ। हाँ, उसके बाद में लड़का दिवाली के टाइम पे लड़की को अपना घर लेके गया उनके पिताजी, तो लड़का ने वो टॉलरेट नहीं कर पाया तो वहाँ से निकल के वो भाग गया कि हम इसको दोबारा हम यहाँ पे नहीं रह सकता, वो भाड़ा का घर छोड़ के वो अपने पिताजी के घर आया। उसके बाद में लड़का को डाइवोर्स भी नहीं दे रहे, परेशानी उसका चल ही रहा है, 1.5 साल हो चुका था और परेशानी चल रहा है, तो उसने एक केस किया
पहले पुलिस थाने में जमा किया, वहाँ पर रिसीव नहीं किया तो वकील को ले जाके कमिश्नर के ऑफिस में जमा किया, उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। ये एक महीना तक लड़का ने इंतजार किया, कुछ होगा, कोई आएगा इंक्वायरी करेगा, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर लड़का ने वकील के माध्यम से जेल कोर्ट में एक केस फाइल किया, वहाँ लड़का ने केस फाइल किया जिसका ये केस सबमिट हो गया है, केस चालू था और 24 मई को हियरिंग था। उसके बाद में ये दो केस ऑलरेडी चल रहे हैं और लड़का को डाइवोर्स के लिए कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो वो लोग ने बीच में एक आदमी को मिडिल मैन को लगा के उससे ह्यूज एक्चुअल अमाउंट का डिमांड किया लड़का वाला से। अच्छा। हाँ, डिवोर्स के लिए हमको ह्यूज अमाउंट का मिडिल मैन को ह्यूज अमाउंट का डिमांड किया। तो लड़का ये डिमांड सुनने के बाद में जो दुकान में जाता था और 1 करोड़ रुपये का डिमांड किया। उसके बाद में लड़का जो दुकान जाता था उसमें भी वो फ्रस्ट्रेट हो गया, अपने दुकान में तो मेरा पापा का दुकान में भी परेशानी ना हो जाए बोलकर दुकान जाना भी छोड़ दिया और प्रॉब्लम में पड़ गया। और अल्टीमेटली घूम के ये स्टेज में आ गया कि अगर पुलिस ने उस टाइम में अगर एक्शन लिया होता तो आज ये घटना और दूसरा एफ आई आर हमको करना नहीं पड़ता था। दो तारीख को अभी हम लोग ने एफ आई आर किया है तो उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना कुछ आगे प्रोसीडिंग बढ़ा रहे हैं। हमारे पास में इतने सारे एविडेंसेस है, पुलिस देने के लिए एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। आप लोग एफ आई आर किया हुआ है, एफ आई आर कॉपी हमारे पास में है, ये अभी रिसेंट एफ आई आर है, केस नंबर है 300 340 IPC 306/24। पुलिस को कंटिन्यूसली हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं, 5-6 दिन से हम लोग रोज सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, इस तरह से हम लोग रोज घुमा रहे हैं, एविडेंस लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग को अपना वकील के थ्रू से फोन करा के बोलना पड़ रहा है, भैया सीजन लिस्ट दीजिए हमको, हमारा पेन ड्राइव सीज कीजिए, हमारा फोन सीज कीजिए, हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कीजिए, लड़का का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। लेकिन अभी एक लेता है तो दूसरा लेता नहीं है, दूसरा लेता है तो तीसरा नहीं लेता है, इस तरह से घुमाया जा रहा है। कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। ये स्टेज में हम लोग चाहते हैं कि पुलिस कुछ प्रोएक्टिव एक्शन ले ताकि इस तरह का मानसिक पड़ताड़ना किसी लड़का को ना झेलना पड़े, कि लड़की की फैमिली से भी लड़का को इस तरह का मानसिक पड़ताड़ना से सुसाइड करना पड़ जाए, ऐसा सिचुएशन ना है समाज। अभी आप लोगों को क्या चाहिए? अभी हम लोग को मैं चाहता हूँ कि मैं लड़का की तरफ से चाहता हूँ कि उसको एक तो पुलिस उसका तरफ से एक्शन ले, उनको भी सबक सिखाए कि इस तरह का घटना में हैरेसमेंट टू सुसाइड अबेटमेंट टू सुसाइड वाला चीज़ तो आगे ना आए, उनके तरफ एक कड़ा एक्शन लिया जाए, ये चाहता हूँ मैं। पुलिस प्रोएक्टिवली काम करे, एक फोन खो जाता है तो पुलिस ढूंढने में लग जाता है, लेकिन सुसाइड किया एक तारीख को 8 तारीख है अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो एक तारीख का था लेकिन हम लोग चार तारीख उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक बैठ के जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है पुलिस के। आप लोग हर दिन सुबह से लेकर रात 11 बजे तक यहाँ पे बैठा रहते हैं, बोलता आइए बुलाता है, कुछ नहीं कर रहा, मतलब पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा है पुलिस की तरफ। आप लोगों से बात भी नहीं किया? नहीं, बात करते हैं, घुमा देता है, बोलते कल आइए, टाइम लगेगा, ऐसे करके मतलब बोल बोल घुमा रहे हैं हम लोग को, मतलब इस टाइप से पुलिस अपने को हम लोग को घुमा रहे हैं और हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, पुलिस क्या बोलेंगे, हम लोग एविडेंस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसका सीजर लिस्ट नहीं मिल रहा है, रिटर्न पूरा कागज में लिख के दिया है हम लोग को, एविडेंस जो है एक ब्लैंक पेपर में लिख के नीचे साइन करके दिया है। अच्छा, आप कौन है? हम उसका भैया है, मैं लड़का का बड़ा भाई हूँ, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे 5 दिन से चक्कर काट रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है सिलीगुड़ी थाना में, सुबह से लेके रात को 11 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है पुलिस से। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से करे और मेरा भाई को अच्छे से इंसाफ दिलाए ताकि ये किसी के साथ भी ये घटना नहीं घटे, बस इतना ही कहना है।
कि पुलिस अपना काम एकदम अच्छे से करे और इस केस को एकदम सीरियसली लेके उनको जो भी एक्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी क्विक एक्शन ले पुलिस। অন্যদিকে আর ভয়েসের টিম সুইটি আগরওয়ালের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে তার পুরো পরিবার এই সব অভিযোগ অস্বীকার করে। मेरी बेटी को 6 महीना लोग डिप्रेशन की दवाई खिलाए हैं, उसको बेंगलोर लेके गया, उसका प्रूफ है। मेरी बेटी को हम लोग जिंदा वहाँ 2 साल में हमको तंग कर दिया, हम लोग 2 साल में शादी के 2 साल तंग करके छोड़ दिया। इतना घटिया आदमी है, हम लोग का जो हालत किया है हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या बेटी के माँ बाप तो झुकते रहेंगे क्या, उनको जूता चाटेंगे? हम जूता नहीं चाटेंगे, हम लोग जूता नहीं चाटेंगे। बेटी का माँ बाप क्या हुआ, बाद में हमारा वकील बात करेगा। अभी हम लोग बहुत लोग के साथ दुखी है। आप कोई वकील बात कौन करे, हम लोग दुखी है हम लोग के साथ, नहीं दुखी है। हम लोग का कहानी खत्म हो गया। चल हम लोग कहानी खत्म, तू तेरा जिंदगी जीता, हम लोग जीते। क्या डिवोर्स दुनिया में होता नहीं है क्या? आपको टॉर्चर करेंगे, आप मर जाओगे क्या? आप मर जाओगी, टॉर्चर करेंगे तो आपको दिन में 20 बार मैं पागल बोलूंगा। पागल बोलूंगा मैं आपको, रहेंगे तो हुआ साथ में। लेकिन वो सुसाइड क्यों किया? वो अशोक बंसल का वजह से किया, वो टॉर्चर करता है। पिताजी थे तो उनके वजह से तो नहीं, वो टॉर्चर करता है। हमें तो 6 महीने से कोई आना जाना नहीं है। आपने आपने बेटा को भी पागल बोलता है, अपने बहू को भी पागल बोलता है। आपने पागल बोलने से तो कोई नहीं मरा, वो ड्रग्स की मात्रा लेता था, उसको वो नहीं मिला। टेंशन वाला आदमी सोसाइटी करे, मेरी बेटी भी करने वाली थी। एक मिनट में शादी करती है, एक मिनट में डिवोर्स नहीं होता है, वो देखना पड़ता है। 6-12 महीना देखना पड़ता है। लोग सोच रहे कोई समय जाए, ठीक ही हो जाए, कोई समय ठीक हो जाए, समय ठीक हो जाए। ब्याह शादी को बच्चा बच्चा खेल का बुद्धि का खेल नहीं है। उनके साथ ठीक ही हो जाए, कुछ ठीक ही हो जाए, कुछ समझौता हो जाए, बच्चे हो जाए, इसी पे हम चल रहा था, कुछ समझ जाए। फैमिली में परिवार में रहने से ऐसा नहीं होता। मैंने घर में छोड़ दिया, घर में छोड़ दिया। जब भी इसको छोटा बेटी में था तो क्यों उसको घर में इकट्ठा छोड़ दिया था? ट्रीटमेंट कराना चाहिए था उसका, उसके पास एक आदमी को रखना चाहिए था। जो भी आदमी रखना चाहिए, मेरे 40 लाख खर्चा हो गए, मेरे 40 लाख खर्चे हम लोग का नहीं है। जब वो ड्रग्स का पेशेंट है तो उसको सोचना चाहिए। उसकी शादी नहीं करनी थी। और एक बात सामने आ रही है, कुछ लोगों का आरोप है कि बोला है जब डिवोर्स कराने वाले थे, लेकिन तब उन लोगों के कहा, मतलब उन लोगों ने कहा कि आप लोग उन लोगों से 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, इसको औकात थे तो भर देने का। वो तो हम लोगों ने नहीं बता, वो क्या सबूत है क्या उन लोगों के पास में मांगे थे? वो आप लड़की को शादी करेगा छोड़ देगा, वो लोग का धंधा ही ऐसा है। वो उसका छोटा भाई है ना अशोक का, जो कुमार का चाचा, उसको भी भगा दिया, वो दीदी को भी भगा दिया, उसको दीदी को भी भगा दिया। पहले उनका रिकॉर्ड देखिए, उनका रिकॉर्ड देखिए ना, तब दीदी को भगा दिया। अरे एक चाचा का आदमी को मार दिया, वो विधवा बैठा है, मतलब सब विश्व बैठा है। लड़की जब डिवोर्स देगा कुछ तो उसका सिक्योरिटी रहना पड़ेगा। मन में आएगा डिवोर्स ले लेगा, मन में आएगा छोड़ देगा। लड़की तो नौकरी नहीं करती, कमाती नहीं है ना, कमाती नहीं है तो उसका लाइफ कैसे? हम लोग कुछ हो गया, जिंदगी कैसे?